सर कई बार लोग यूज बोलते हैं और कई बार यूज बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड यूज और यूज दोनों ही ठीक हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ज की साउंड आती है यू एस ई के अंदर या स की साउंड आती है। एक्चुअली में जब यूज नाउन की तरह पर यूज होता है तो इसमें स की साउंड आती है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग लाइक दिस कि इसका फायदा क्या है, तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ इट। सो नाउ हियर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पर ज की आवाज नहीं आएगी, यहाँ पर स की आवाज आएगी। तो हम लोगों को हमेशा बोलना चाहिए व्हाट इज द यूज ऑफ इट। और जब आप किसी को कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज। सो यहाँ पर भी क्योंकि यूज नाउन की तरह यूज हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो हम लोग हमेशा इसको स की आवाज देंगे, तो देयर इज नो यूज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एज अ वर्ब, एक एक्शन की तरह जब हम लोग यूज को यूज करते हैं तो इसमें ज की आवाज आती है। लाइक यू से आई यूज्ड टू गो टू मार्केट अर्लियर, सो नाउ हियर यू कैन नॉट से आई यूज्ड टू गो टू मार्केट अर्लियर, सो यू शुड से आई यूज्ड टू गो टू मार्केट, सो ज इज टू बी यूज्ड हियर। या अगर आप किसी भी व्यक्ति को यह बताते हैं कि आई वॉन्ट टू यूज योर पेन, सो आई वॉन्ट टू यूज योर पेन, सो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यूज ज की साउंड आएगी। है बहुत छोटी सी चीज, बट वी शुड नो दिस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर।